नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हैशटैग कार्स में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट वसीम खान। आज जो वीडियो में कवर करने वाला हूं गाड़ी, वो है मर्सिडीज बेंज जीएलसी 220D 4MATIC 2018 मॉडल, जुलाई 2018 की रजिस्टर्ड है, झारखंड नंबर है, सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी ड्रिवन है 56,000 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड्स। लास्ट सर्विस हुई थी इसकी 49,000 किलोमीटर्स पे। गाड़ी किलोमीटर्स के हिसाब से सर्विस ड्यू नहीं हुई है, वो टाइम के हिसाब से हो गई है, तो गाड़ी फिर से सर्विस पे जाएगी और आपको रिसेंटली सर्विस्ड कार मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी लग्जरी कार परचेज करना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि साइड में मैंने कैटलॉग रन किया हुआ है, जहाँ पे मेरा लेटेस्ट स्टॉक आपको मिलेगा। जो गाड़ियाँ मेरी सेल आउट हो जाती है, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, जो अवेलेबल होती हैं वो कैटलॉग में मैं रहने देता हूँ, और जो नई गाड़ियाँ आती हैं उनको एडिशन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको कैटलॉग लिंक मिल जाएगा, आप वो कैटलॉग लिंक प्रेस करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे पॉपअप हो जाएगा मेरा कैटलॉग। वहाँ पे मैंने बहुत ही तरीके से वो कैटलॉग बनाया हुआ है, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर और पोर्शा की अलग अलग सेगमेंट में गाड़ियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बजटेड एसयूवीज भी हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हर गाड़ी की 10 फोटोग्राफ्स मिलेंगी आपको, डिटेल्स मिलेगा, प्राइस मिलेगा और हर गाड़ी का एक वीडियो लिंक मिलेगा, जिससे आप गाड़ी को अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा ये इंटेंट होता है जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि आप जब दूर से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 1000 किलोमीटर से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो आप गाड़ी की वीडियो अच्छे से देख कर आएं, क्योंकि मैं बिल्कुल अनबाइस रिव्यूज देता हूँ अपनी वीडियो में। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ और जो गाड़ी की अच्छाइयाँ होती हैं वो भी बताता हूँ। सारे फीचर्स कोशिश करता हूँ कवर अप कर सकूँ वीडियोस में, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं मर्सिडीज बेंज GLC 220D प्रोग्रेसिव मॉडल से। यहाँ पे फ्रंट पे हमें मर्सिडीज बेंज का एम्बोस लोगो मिल जाता है, सिग्नेचर लोगो है, न्यू जनरेशन से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स ये। यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रही है और यहाँ पे हमें DRLs मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप दिन में गाड़ी चलाते हैं DRLs ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल रहा है, यहाँ पे हमें हेडलाइट वॉशर्स मिल रहे हैं ब्लैक कलर के साथ। क्रोम फिनिश का एक अलग चार्म है, एक अलग, दूर से ही आई कैची लगते हैं, स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को और मस्कुलर लुक भी देते हैं SUVs में। टायर्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप रिम्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े से यहाँ पे रिम्स पे स्क्रैचेस हैं, क्योंकि मैं अनबाइस रिव्यूज देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी टायर्स आर इन अ वेरी गुड कंडीशन। सेंटर में मर्सिडीज बेंज का लोगो मिलता है, यहाँ पे हमें फुटरेस्ट मिलता है, फंक्शनल फुटरेस्ट है ये, गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए फंक्शनल फुटरेस्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। और गाड़ी के इंटीरियर्स आप एक बार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ड्यूअल टोन हमें इंटीरियर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा टैन और डार्क ब्राउन कलर का हमें यहाँ पे लेदराइट मिल रहा है, फिर हमें यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में वुड मिल रहा है, फिर हमें यहाँ पे बेज इंटीरियर्स मिल रहे हैं, यहाँ लॉक अनलॉक का हमें जो है फंक्शन मिल रहा है, सेफ्टी फीचर के लिए लॉक अनलॉक का यहाँ पे बहुत अच्छा बटन दिया हुआ है, यहाँ रिट्रैक्टेबल बटन दिया हुआ है हमें साइड मिरर्स के लिए, और यहाँ विंडोज के कंट्रोल्स हैं, और ये हमें कर्टेन के लिए मिल रहा है यहाँ पे बटन। रियर सीट्स भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है हमें, रियर एसी वेंट्स मिल रहा है। डोर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें डोर्स के अंदर ही स्पीकर्स मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं डोर्स के अंदर हमें स्पीकर्स मिल रहे हैं। मर्सिडीज बेंज में ज्यादा डोर्स में स्पीकर्स आने लगे हैं न्यू जनरेशन कार्स में। रियर में अगर आप देखेंगे 4MATIC की हमें यहाँ पे बैजिंग मिल रही है, मर्सिडीज बेंज का लोगो मिल रहा है, जीएलसी 220D की हमें यहाँ पे बैजिंग मिल रही है। बूट स्पेस देखिए, बूट स्पेस जीएलसी में इतनी अच्छी मिलती है हमें कि यहाँ पे आराम से हमारे चार बड़े सूटकेस आ सकते हैं और उसको आप कवर भी कर सकते हैं ट्रे से, वो भी निकाला हुआ है कस्टमर ने, यहाँ पे आप ट्रे से उसको कवर भी कर सकते हैं। यहाँ बॉटल होल्डर्स वगैरह ये चीज़ें के इधर उधर ना जाएं उसके लिए हमें जगह मिल जाती है। यहाँ पे हमें जो है और फर्दर स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप इसके जैक रॉड्स एंड वगैरह चीज़ें आप रख सकते हैं। रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हमें मिल रहे हैं, रिवर्स कैमरा है गाड़ी के अंदर ऑफकोर्स, यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल रहा है, ड्यूल एग्जॉस्ट हमें मिल रहे हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप हमें पीछे मिल रहे हैं। चारों तरफ से मैं आपको एक बारी गाड़ी दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि गाड़ी में कोई किसी तरीके के मेजर डेंट्स नहीं है, किसी तरीके का पेंट वर्क नहीं हुआ है, ऑल क्लीन सर्विस हिस्ट्री है गाड़ी की। आप किसी भी ऑथराइज्ड मर्सिडीज बेंज के वर्कशॉप पे ले जाके गाड़ी को टेस्ट करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, 360 डिग्री आप इसका करा सकते हैं। टायर्स जो है, चारों टायर्स सेम कंपनी के डले हुए हैं, योकोहामा के, इससे हमें कस्टमर की प्रोफाइल के बारे में पता चलता है, अच्छी गाड़ी कस्टमर ने रखी है।
सारे डोर्स जो हैं वो एक जगह पे आके स्टॉप हो रहे हैं, डोर स्टॉपर्स अच्छे से फंक्शनल हैं। सो दिस इज बेसिकली हार्ट ऑफ द कार इंजन बोनट। मैं देखकर 100% आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि गाड़ी का बोनट चेंज नहीं हुआ है, गाड़ी का बोनट कभी हिट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, से ओरिजिनल बोनट है गाड़ी का। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है फ्रेंड्स 4656 mm की गाड़ी की लेंथ है, और गाड़ी की विड्थ है 1890 mm की गाड़ी की विड्थ है। गाड़ी का व्हील बेस बहुत अच्छा हमें इसके अंदर मिलता है, इनर कैबिन स्पेस हमें बहुत अच्छा मिलता है, 2873 mm का गाड़ी का व्हील बेस है, 2873 का गाड़ी का व्हील बेस है, जिससे हमें इनर स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। तो GLC 220D प्रोग्रेसिव मॉडल जो मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, ये आया था 2016 से लेके 2019 तक ये मॉडल कंटिन्यूड रहा था फ्रेंड्स, और जो इसका एक्स शोरूम प्राइस लास्ट रिकॉर्डेड था वो था 56 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 62-63 लाख रुपीज की पड़ती थी। आज गाड़ी अवेलेबल है फॉर सेल जो 2018 मॉडल, सिंगल ओनर, 56,000 किलोमीटर ड्रिवन, झारखंड नंबर, 2018 जुलाई की रजिस्टर्ड गाड़ी है, आपको मिल रही है 38 लाख रुपीज इज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस कार। बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छी डील आपको मिल रही है, गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव पे चल रहा हूँ मैं, ये एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी में जीएलसी की एक अपनी अच्छी स्ट्रांग होल्डिंग है, बहुत अच्छी पकड़ है जीएलसी, मतलब इसका कोई नेक टू नेक कॉम्पिटिटर मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आता। X3 आती है ऑफकोर्स, बट X3 भी मतलब GLC के मुकाबले अगर आप देखोगे तो एक अलग गाड़ी है GLC अपने आप में। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके दिखाते हैं एक बारी। ये है मर्सिडीज बेंज GLC की फ्रेंड्स, इसमें लॉक अनलॉक हमें फंक्शन मिल रहा है, सेंसर वाली की हमें अंदर मिल रही है, पुश बटन स्टार्ट है, आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो, ये रिमूव भी हो जाता है, की से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल हमें इसके अंदर AC मिल रहा है, AC भी हम देख लेते हैं कितना जल्दी कूलिंग कर रहा है। यहाँ पे हमें स्पीकर्स मिल रहे हैं, ये सीट के कंट्रोल्स हैं, 8-way एडजस्टेबल सीट हर तरीके से एडजस्टेबल है, जो मैं गाड़ी लेते वक्त जरूर चीजों को ध्यान में रखता हूँ। गाड़ी की सनरूफ आपको एक बारी खोल के दिखाता हूँ, गाड़ी की सनरूफ आप देख सकते हैं सिंगल टच के साथ में पूरी सनरूफ खुल रही है, पूरी बंद हो रही है, किसी तरीके का नॉइस नहीं है कहीं पे, किसी तरीके का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है सनरूफ में। मर्सिडीज बेंज GLC 220D के फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्लस्टर मीटर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे गियर्स मिलते हैं, ये आप यहाँ पे डालेंगे पी मोड आ जाएगा, RND हमें इसके अंदर मिलता है। इंटीरियर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, एक्सटीरियर्स बता दिए हैं, गाड़ी के प्राइसिंग स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं, गाड़ी के एक टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। उससे पहले आप पीछे से बैठ के यहाँ से एक बारी व्यू देखिए फ्रेंड्स, क्या व्यू मिल रहा है, ऑसम व्यू मिल रहा है हमें यहाँ पे, हमें पैनारोमिक सनरूफ मिल रही है, सीट्स जो है इसकी सीट्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, ये देखिए थाई सपोर्ट है, लंबा सपोर्ट इसके अंदर हमें मिल रहा है, ऑटो एडजस्टेबल फ्रंट एंड पैसेंजर दोनों सीट्स हमें मिल रही हैं। यहाँ पे हमें सेंटर में ये जो मर्सिडीज बेंज की एक खासियत है सी क्लास में GLC में देखने के लिए मिलता है, ये बहुत अमेजिंग लगता है मुझे, इसका सेंटर आर्म कंसोल जो है ये बहुत अमेजिंग लगता है। यहाँ से आप म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, GLC प्रीमियम SUV में एक गाड़ी की बहुत अच्छी लुक्स हैं, गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, फोर सिलेंडर कार है, 2143 cc का डीजल इंजन आता है, एवरेज भी गाड़ी बहुत अच्छा निकालती है। यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि गाड़ी के सस्पेंशन कैसे हैं, यानी कि सस्पेंशन भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी के स्टेयरिंग में कोई नॉइस नहीं मिल रही है देखने के लिए, देखने वाली बात है, ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन में कोई नॉइस नहीं है, सस्पेंशन ओके हैं, इंजन माउंटिंग ओके हैं, गाड़ी की गियर शिफ्टिंग बराबर काम कर रही है, सनरूफ बराबर काम कर रही है, लाइटिंग जो है वो सारे फंक्शनल है, म्यूजिक सिस्टम और AC फंक्शनल है, किसी तरीके का भी गाड़ी में कोई ऐसा वियर एंड टीयर नहीं है कि गाड़ी लेते ही आपको कोई काम कराने की जरूरत है, गाड़ी का मिनिमम टर्निंग रेडियस भी बहुत कम है। ये देखिए यहाँ से, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जर्मन कार्स की एक खासियत होती है कि आप जितनी बड़ी गाड़ी चला लो आपको फील ही नहीं होगा कि आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इतनी अच्छी मैन्युवरेबिलिटी, इतनी अच्छी हैंडलिंग मिलती है हमें इनके अंदर, गाड़ी हाइट पे भी आप एक हाइट पे बैठे हो तो एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है गाड़ी चलाते में, और इंडिया में तो खास तौर से मैं कहूँगा कि थोड़ी ऊँची गाड़ियाँ होनी चाहिए क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत होते हैं इंडियन रोड्स पे। तो मर्सिडीज बेंज GLC 220D एक बार डिटेल्स आपको फिर से बता देता हूँ, 2018 मॉडल, सिंगल ओनर, झारखंड नंबर, 57,000 किलोमीटर ड्रिवन, 38 लाख रुपीज इज द आस्किंग प्राइस, इमैक्युलेट कंडीशन कार, ब्लैक कलर, प्रोग्रेसिव मॉडल, सारे फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे कैटलॉग पर जाके भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर ये यंगस्टर्स वीडियो देख रहे हैं वो जॉब करना चाहते हैं मर्सिडीज या जर्मन कार्स कंपनीज में, या आप काम करना चाहते हैं यूज कार बिजनेस में काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, या आप
फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत वेलकमिंग नेचर है फ्रेंड्स, मैं इस इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उतना मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे, थैंक यू।